हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेन्द्र। आप सभी का स्वागत है द इनिशिएटर में। फ्रेंड्स, आज हम जीजी प्लांट की रिपोर्टिंग और केयर टिप के बारे में बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जीजी प्लांट का पौधा है। इसका मेरा ये पॉट टूट गया है, तो मैंने सोचा कि इसके जो राइजोम्स वगैरह है वो आपको दिखाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ, और साथ के साथ इसकी रिपोर्टिंग भी फिर आपके साथ शेयर हो जाएगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने प्लांट को इसमें से निकाल लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रेंड्स कटिंग से लगाया था और ये काफी अच्छा हो गया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये गिर गया। तो देखिए, मैं आपको ये सारा निकाल के दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मेरा ग्रो हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा हार्डी प्लांट है, तो मैंने सोचा चलो ये टूट गया है तो मैं इसके राइजोम देखिए फ्रेंड्स, इसके राइजोम्स देखिए, ये इसके राइजोम्स होते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे इसमें राइजोम्स आए हुए हैं। यहाँ पे इसके ऊपर भी एक वो था, लेकिन वो बिल्कुल ड्राई हो गया था। तो ये देखिए, मैंने इसको ये कट कर दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, और मैं इसको थोड़ी सी देर पानी में डाल दूंगी जिससे कि ये क्लियर हो जाए। और अब हम इसकी मिट्टी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मिट्टी में मैंने ये एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड, और ये हमारा वर्मी कंपोस्ट है, और ये मैंने एक चम्मच नीम की खली, और ये मैंने थोड़ा सा परलाइट लिया है। परलाइट फ्रेंड्स हमारी मिट्टी को बहुत ज़्यादा हल्का बनाता है। और ये देखिए, ये फंजीसाइड है, मैं थोड़ा सा इसमें आधा चम्मच ये फंजीसाइड भी मिक्स करूँगी। फ्रेंड्स इसके लिए हमें ज्यादा बड़े पॉट की जरूरत नहीं होती है। तो ये देखिए, मेरी छोटी सी डक है, क्योंकि मैं इसको इंडोर ही रखने वाली हूँ। ये इंडोर बहुत अच्छे से चलता है, तो मैंने ये ले लिया है। और अब इसके ड्रेनेज होल के लिए मैं इसमें कुछ ब्रिक के टुकड़े डाल दूंगी और हम अब इसको फिल कर लेंगे। फ्रेंड्स इसकी जो जड़ें होती है ना, बहुत ज्यादा गहरी नहीं होती, तो आप इसको बिल्कुल छोटे से छोटे कंटेनर में पॉट में बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। मैंने इसीलिए छोटी सी डक ली है। ये फ्रेंड्स देखिए, इसकी मिट्टी को हम थोड़ा सा दबाते हुए बहुत अच्छे से भर लेंगे, थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर देंगे। ये देखिए, हमने इसकी मिट्टी भर ली है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये प्लांट, ये देखिए फ्रेंड्स, इसका ये राइज पानी में डालने से ना ये राइजोम से अलग हो गया है। हालांकि मैं सोच रही थी, मैंने कहा कि मैं इसको एक ही जगह लगाऊंगी, पर अब जब ये खुद ही अलग हो गया है तो मैं इसको अलग ही लगा दूंगी। और ये देखिए, इसमें से भी फ्रेंड्स देखिए कितने सारे राइजोम्स हैं, पर इस पूरे बंच को मैं एक साथ ही लगा रही हूँ। और देखिए बिल्कुल आराम से हमें इसको डिस्टर्ब ना करते हुए, और अब हम इसमें मिट्टी डाल देंगे। इसकी जो रूट्स है ना फ्रेंड्स, वो ऐसी ही रहती हैं, वो ज्यादा गहरी नहीं होती हैं, बस हमारे जो राइजोम्स हैं इनका थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाता है। और काफी अच्छा प्लांट है, एयर प्योरीफायर प्लांट है फ्रेंड्स, हमें इसे अपने गार्डन में जरूर ऐड करना चाहिए। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने लगा दिया है। और जो इसका ये वाला जो पार्ट था, अब मैं इसको दूसरे कंटेनर में लगा दूंगी। ये देखिए, मैं इसमें ये पानी दे। तो फ्रेंड्स, मिट्टी के बारे में हमने बात कर ही ली है, अब हम इसकी थोड़ी सी पानी की रिक्वायरमेंट, सनलाइट के बारे में, इसकी केयर के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी और पानी का एक बहुत ज्यादा गहरा कॉम्बिनेशन है, कि अगर हमारी मिट्टी हमारे पानी के अकॉर्डिंग होगी, वेल ड्रेन होगी, तो हमारा पौधा हमेशा ही बहुत अच्छे से चलता है।
और इसकी मिट्टी अभी जैसे हमने बनाई है तो बिल्कुल पोरस मिट्टी बनाई है जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और फ्रेंड्स अगर हम इसमें कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोकोपीट थोड़ा सा पानी को ज़्यादा होल्ड करता है और ज़्यादा पानी की वजह से हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हमें मिट्टी और पानी का थोड़ा सा बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना है इसमें। और अगर हम इसकी सनलाइट की बात करें फ्रेंड्स, तो सनलाइट अगर हम इसको तेज धूप में रखते हैं या फुल सनलाइट में रखते हैं तो इसकी जो पत्तियां हैं वो जलना शुरू हो जाती हैं। देखिए जैसे मैं अगर आपको मैं दिखाऊं कि ये मैंने जब टूट गया था तो बाहर रख दिया था, तो देखिए इसकी ये जो पत्तियां ना ये इस तरह से तेज धूप की वजह से ये इस तरह से जल गई। मैं इसको अंदर रखना भूल गई थी। और फिर ये धीरे धीरे फ्रेंड्स पौधा हमारा खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स जीजी प्लांट हमारा इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट को पसंद करता है। धूप अगर नहीं भी आती लेकिन ब्राइट लाइट आ रही है या मीडियम लाइट में भी ये सर्वाइव कर लेता है। ये जो पौधा है फ्रेंड बड़े आराम से हमारे घर में चलता है, कि आप ये सोचिए कि जैसे हमें जो टेम्परेचर पसंद है वही टेम्परेचर जीजी प्लांट को भी पसंद होता है। और ये पौधा इसीलिए लो लाइट में हमारे घरों की जो लाइट होती है या ऑफिस होते हैं हमारे उनमें ये बहुत अच्छे से चलता है। और फ्रेंड्स देखिए ये बहुत ही इसको जो ह्यूमिडिटी है, अगर हम इसकी ह्यूमिडिटी की बात करें तो इसे 40% ह्यूमिडिटी पसंद है। कम या ज्यादा भी ये टॉलरेट कर लेता है लेकिन हाई ह्यूमिडिटी में ये खुश रहता है। ये थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग पौधा है फ्रेंड, ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। मैं इसकी अपडेट आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और बस अब जैसे आगे आगे का जो मौसम है तो हम इसकी पत्तियों पे मिस्टिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मिस्टिंग करने के बाद जो इस पे व्हाइट कलर के पानी के स्पॉट आ जाते हैं तो हम एक पानी में हल्का सा नींबू डाल के और कॉटन से या मलमल के कपड़े से उन स्पॉट्स को साफ कर सकते हैं, जिससे कि इसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर और चमकदार दिखती हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ टिप्स जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं। तो अगर वीडियो प्लीज आपको अच्छी लगी हो या आपके हेल्पफुल हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।